राम जी ने पिताजी को बहुत समझाया, पिताजी कुछ ही दिनों की तो बात है, 14 वर्ष बहुत बहुत जल्दी बीत जाएंगे पिताजी, आप चिंता मत करो, मैं वापस आऊंगा, आप मेरी चिंता मत करो। यहां पर गोस्वामी जी एक दोहा लिखते हैं, नव गयंदु रघुवीर मनु राजु अलान समान। नवगयंदो अर्थात दो अर्थ होते हैं इसके, एक तो हाथी का छोटा बच्चा उसको भी नवगयंदो बोलते हैं, और दूसरा जो शिकारी हाथी को पकड़ लेता है तो नया पकड़ा हुआ हाथी उसको भी नवगयंदो बोलते हैं। राम जी गोस्वामी जी लिख रहे हैं, नवगयंदो रघुबीर मनु राजु अलान समान, छूट जाने बन गवन सुनी और आनंद अधिकान। राम जी का मन एक नई पकड़े हुए हाथी के समान है, और जो राज्यभिषेक का समाचार है वो बेड़ियों के समान है। जब सही राम जी ने जब सुना कि राज्यभिषेक की जगह वन जाना है मुझे, तो राम जी का मन उसी प्रकार प्रसन्न हो रहा है जिस प्रकार नया पकड़ा हुआ हाथी छूट जाता है, उसी प्रकार प्रसन्न हो रहा है। उसके बाद राम जी तुरंत माता कौशल्या के पास गए। माँ कौशल्या को इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कुछ भी नहीं पता था। राम जी कहे, माँ को प्रणाम किया। माँ सोच रही थी कि आज राज्याभिषेक होना है, राज्याभिषेक की तैयारी हो गई, सारी तैयारी चल रही है। श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथों को जोड़ करके बड़े आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया, माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया, और माँ ने कहा, तात जाऊं बलि बेगी नहाऊं, तात जाऊं बलि बेगी नहाऊं, जो मन भाव मधुर कछु खाऊं, जो मन भाव मधुर कछु खाऊं, पितु समीप तब जाए भैया, पितु समीप तब जाए भैया, भई बड़ी बार जाई बलि मैया, भई बड़ी बार जाई बलि मैया। माँ को तो कुछ भी नहीं पता था, माँ तो सहज बैठी थी, हर्षित हो रही थी माँ की आज राज्याभिषेक होना है। और जैसे ही राम जी को देखा, माँ कहती है, राम तुमने अभी तक स्नान नहीं किया, तुमको मालूम है आज राज्याभिषेक है, जल्दी जाओ, सबसे पहले स्नान कर लो, और स्नान करके जो तुमको मधुर लगे, जो तुम्हारी खाने में रुचि हो, वो स्वल्पाहार कर लो राम, जल्दी करो, है ना, उसके बाद फिर पिताजी के पास जाना, क्योंकि राज्याभिषेक में कितना समय लग जाए राम ये नहीं पता, देर लगती है राज्याभिषेक में, तो पहले स्नान कर लो, कुछ खा लो, उसके बाद में पिताजी के पास जाना, और हाँ राम कुछ मीठा जरूर खाना, क्योंकि मीठा खाना शकुन होता है। माता का हृदय तो हर्ष से भरा हुआ है, माता तो आनंदित है कि आज मेरे राम का राज्याभिषेक है। अब ऐसी माता, ऐसी करुणा की मूर्ति माँ को राम जी कैसे समझाएं, राम जी असमंजस में हैं, कैसे समझाएं। लेकिन राम जी की वाक चातुर्य की आप यहाँ पर दर्शन कीजिए। राम जी कहते हैं, माँ एक बात बताओ, युवराज का पद बड़ा होता है कि राजा का पद बड़ा होता है? राम जी कहते हैं, माँ ने कहा, बेटा निसंदेह राजा का पद बड़ा होता है, राजा का पद बड़ा होता है। तो राम जी ने कहा, तो माता अब आप और प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि आज आपका राम राजा बनने जा रहा है। माँ ने कहा, राजा बनने जा रहा है,
आनंद का कोई स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा, बधावे नहीं बज रहे, शहनाइयां नहीं गूंज रही। किस प्रकार के राजा बनने जा रहे हो राम? तुम कहां के राजा बनने जा रहे हो? राम जी कहते हैं, मां बधावे तो वहां गाए जा रहे होंगे, मंगल तो वहां मनाया जा रहा होगा जहां का मैं राजा बनने वाला हूं। माता कहती है, कहां के राजा बनने वाले हो तुम? मां पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है, मैं बड़ा हूं ना, इसलिए बड़े बेटे को बड़ा राज्य दिया है और छोटे बेटे को छोटा राज्य दिया है। मां राम, मेरे पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है। मां खुशियां तो वो सारे वनवासी मना रहे होंगे जहां का मैं राजा बनने वाला हूं। माता मां चुप हो गई। राम जी कहते, मां और बहुत ज्यादा दिनों के लिए भी नहीं, बहुत ज्यादा दिनों के लिए भी नहीं, बस 4 और 10 वर्षों के लिए। भगवान की शब्द रचना देखिए यहां पर, 4 और 10 वर्षों। बरस 4 10 बेपिन बसी, कर पितु वचन प्रमाण, आई पाए पुनि देखी हूं, मनुजनी कर सी मलान। मां बस 4 और 10 वर्षों की बात है, अर्थात 14 वर्ष की बात है। वन में रहकर पिताजी के वचन को पूरा करूंगा, प्रमाणित करूंगा, सत्य करूंगा, फिर लौटकर मां तेरे चरणों का दर्शन पुनः करूंगा। मां तू मन में दुखी मत होना। मां राम जी की शब्द रचना दुख को कम करने वाली है और यही वाक्य चातुर्य मेरे राम जी का है। राम जी के चरित्र से ये सीखना चाहिए कि हमको परिस्थितियों को किस प्रकार स्वीकार करना चाहिए। हम आप सफलता तो सभी स्वीकार कर लेते हैं, कभी विफलता को भी स्वीकार करना सीखो। हम तो छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं आज कि स्कूल के छोटे से टेस्ट में नंबर अच्छे आ गए तो बड़े खुश हो जाते हैं, और थोड़ा सा भी कम हुआ रोने लगेंगे, और बच्चे तो बाद में रोएंगे, पहले माता पिता रोने जैसी परिस्थिति खड़ी कर देते हैं। तेरे इतने नंबर क्यों कमाए? पड़ोस वाली शर्मा जी की आंटी का लड़का देख कितने ज्यादा नंबर आए, तेरे कैसे कमा गए। तो हम अपने बच्चों को भी सफलता स्वीकार करना तो सीख ही जाएंगे, लेकिन विफलता स्वीकार करना भी आना चाहिए। ये समता हमारे अंदर अभी से, बच्चों के अंदर अभी से आप डालना शुरू करो। ये सुन करके माता असमंजस में पड़ गई। गोस्वामी जी लिखते हैं, धर्म स्नेह उभय मति घेरी, धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भय गति सांप छछुंदरी केरी, भय गति सांप छछुंदरी, राखौं सो तहि करहुं अनरोधु, राखौं सो तहि करहुं अनरोधु, धर्म जाइ अरु बंधु विरोधु, धर्म जाइ अरु बंधु विरोधु। आज माँ की स्थिति उसी प्रकार है जिस प्रकार सांप और छछुंदर की होती है। आप सभी को मालूम होगा क्या गति होती है। सांप अगर छछूंदर को निगल ले, अगर एक बार मुंह में ले लिया, अगर निगल लेगा तो मर जाएगा, उगल देगा तो अंधा हो जाएगा। सांप और छछूंदर की ये गति होती है। आज माँ की मति की भी इसी प्रकार गति हो गई है। माँ बड़ी असमंजस में है कि धर्म और स्नेह आज इन दोनों ने कौशल्या माँ की बुद्धि को घेर लिया है। उनकी दशा सांप और छछूंदर जैसी हो गई है। आज वह सोचने लगी, यदि हट पूर्वक मैं पुत्र को रख लेती हूं यहां तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। मां थोड़ी देर मौन रही। मां ने कहा, राम पिता ने आज्ञा दी है तुमको वन जाने की? बोलो। राम जी ने कहा, हां मां पिताजी ने आज्ञा दी है। माता कहती है, तो मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं तुम वन नहीं जाओगे, घर में ही रहोगे, क्योंकि पिता का दर्जा
माता का दर्जा पिता से ऊंचा होता है और माता तुमको आज्ञा देती है कि तुम वन नहीं जाओगे, यहीं रहोगे अयोध्या में। जो केवल पितु आय सुताता तो जनी जाहूं जाने बड़ी माता, मैं कहती हूं कि तुम वन मत जाओ, यहीं रुक जाओ। राम जी ने धीरे से कहा, माता अगर माता पिता दोनों की सहमति हो मुझे वन भेजने की, तो अब माँ कौशल्या और असमंजस में पड़ गई। राम, मैं समझी नहीं तुम क्या कहना चाहते हो। मां कैकेयी माता के कहने पर ही पिताजी ने मुझे वन भेजा है, वन भेज रहे हैं वो मुझे, मां कैकेयी माता के आदेश पर ही, कहने पर ही। माता कौशल्या ने कहा, जो पे तुम कहे वो बन जाना। यदि माता पिता दोनों ने ही वन जाने को कहा है पुत्र, तो कानन सत अवध समाना, तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान होगा। राम तुम वन अवश्य जाओ, अवश्य जाओ। धन्य है माता कौशल्या, धन्य है भारत की माता, धन्य इस भूमि की माता। ऐसी माताओं के यहां ही भगवान अवतार लेते हैं, ये सत्य बात है। किसी ने पूछा एक बार माता कौशल्या से कि आपने केवल कैकेयी के कहने पर राम को वन क्यों जाने दिया, राम तो आपके पुत्र थे, आप राम की माता थी, आपने क्यों जाने दिया। माता ने कहा, बोले राम जी जब छोटे थे ना, अपनी लीलाएं कर रहे थे, तब रोज मेरे मन में एक बात आती थी कि ये कब थोड़े से बड़े होंगे और कब मुझे माँ कह करके पुकारेंगे, बुलाएंगे। मैं आनंदित होती थी और उसी क्षण की प्रतीक्षा करती थी। एक दिन वो पल आया, मेरे राम मुझे माँ कहते हुए मेरे पास आए और मुझे माँ कहा, और उस समय जानती हूँ मैंने क्या कहा, मैंने राम के मुख पर हाथ रख दिया, मुँह बंद कर दिया और कहा, राम तुम्हारी माता मैं नहीं हूँ, तुम्हारी माँ तो कैकेयी है। तो राम जी ने कहा, तो मेरी माता कौन है। माँ ने कहा कि मैं तो भरत की माता हूँ, तुम्हारी माता तो कैकेयी है। कवितावली में आता है, कहे मोह मैया, मैया मैं भरत की, बले जाऊं भैया, तेरी मैया तो कैकेयी है। माता कहती है, और मैंने राम को कैकेयी के पास भेज दिया कि तेरी मैया तो कैकेयी है। अब जिस बालक को बाल्यकाल से ही यही संस्कार दिए गए हों कि कैकेयी तुम्हारी माता है, आज उस माता की आज्ञा पालन से मैं राम को कैसे रोक देती। अगर मना करती हूं तो संस्कार बिगड़ता है, धर्म जाता है। और यही इस भूमि की विशेषता है, हमारी संस्कृति संस्कारों पर टिकी हुई है। माँ कहती है संस्कार नहीं बिगड़ना चाहिए, इसीलिए मैंने राम को जाने की अनुमति दी। भारत में जो संस्कृति है हमारी, वो संस्कारों पर ही टिकी है। और लंका में केवल संस्कार ही तो नहीं थे, लंका जल गई, लंका जल गई केवल संस्कार ना होने के कारण। तो हमारी संस्कृति संस्कारों पर टिकी हुई है। माने माँ को प्रभु ने बहुत प्रकार से समझाया और उसी समय सीता माता वहां आकर के बैठ गई। सीता मैया केवल आकर के वहां बैठ गई, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बस मौन होकर के बैठी हैं और अपने दाहिने पैर के से अंगूठे से धरती को रेंद रही हैं। जीवन में जब दुख आता है ना तो माँ याद आती है, और सीता जी की माता कौन है, धरती माता है। आज जानकी जी अपनी माँ से कह रही हैं कि माँ प्रभु वन जा रहे हैं और उनके साथ मेरा भी जाना तय है, अगर वो साथ ले गए तो उनके साथ मैं जाऊंगी माँ, अगर वो साथ नहीं ले गए तो उनके साथ मेरा प्राण जाएगा माँ, लेकिन मेरा जाना तो तय है। कौशल्या माँ ने कहा, राम ये वही सीता हैं जिनको आज तक मैंने दिए की बाती टारने के लिए भी नहीं कहा। राम ये वही सीता हैं जिन्होंने आज तक कभी कठोर भूमि पर पांव नहीं रखा। और एक स्त्री दूसरी स्त्री की बात बहुत जल्दी पहचान जाती है। माँ कौशल्या जानकी जी की हृदय की बात समझ रही थी, जान रही थी। माँ कहती हैं,
राम सीता आपके साथ वन जाना चाहती हैं, राम क्या आज्ञा है इनके लिए, आप कहिए। राम जी ने बहुत प्रकार से समझाया, बहुत समझाया माँ को, जानकी माँ को, वन का भयानक दृश्य दिखाया और कहा सीता जी आप वन के लायक नहीं हो, आप मत जाओ, आप यहीं रुक जाओ। सीता माँ ने कहा प्रभु मैं वन के लायक नहीं हूं तो क्या आप वन के लायक हो, आपके लिए वन में रहना उचित है तो क्या मेरे लिए घर में भोग भोगना उचित है। आपके साथ प्रभु अगर मैं वन में रहूंगी तो वो वन भी मेरे लिए महल के समान सुख देने वाला हो जाएगा प्रभु, और आपके बिना ये महल भी मेरे लिए वन के समान होगा प्रभु, आप मुझे साथ ले लीजिए प्रभु, साथ रख लीजिए। और माता के ऐसे वचन सुन करके प्रभु ने मैया को साथ ले लिया, अनुमति दे दी कि ठीक है चलिए आप साथ में। तब तक लक्ष्मण जी आ गए। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण मैं वन जा रहा हूं और अभी अयोध्या में भरत और शत्रुघ्न भी नहीं है, आप यहीं रहें और अयोध्या की और पिताजी की देखभाल करें, आप यहीं रुकें। लक्ष्मण जी बोले कौन से पिता, कौन से पिता, मेरे लिए तो आप ही पिता हो, कौन से पिता की बात कर रहे हो। लक्ष्मण जी कहते हैं पितु मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो, तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं तिनके तुम ही रखवारे हो। प्रभु आपके सिवा मेरा कोई रखवाला नहीं है प्रभु। पितु मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो, सब भांति सदा सुखदायक हो, दुख दुर्गुण नाशन हारे हो, प्रतिपाल करो सिगरे जग को, अतिशय करुणा उर्धारे हो। यह जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो, प्यारे हो, तुम सो प्रभु पाई प्रताप हरी, के ही के अब और सहारे हो, पितु मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो। लक्ष्मण जी ने भगवान से एक ही वाक्य कहा मोरे सबई एक तुम स्वामी, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर जामी, दीन बंधु और अंतर जामी। आप ही मेरे सब कुछ हो, माता हो, पिता हो, स्वामी हो, सखा हो, भाई, सब कुछ आप ही हो। इस संसार के सारे नाते प्रभु मैंने सदैव आप में ही देखे हैं, आपके अतिरिक्त मेरे लिए कुछ भी नहीं है प्रभु। राम जी ने कहा ठीक है लक्ष्मण जाओ, मैया सुमित्रा से अनुमति लेकर के आ जाओ। लक्ष्मण जी माता सुमित्रा जी के पास अनुमति लेने के लिए पहुंचे हैं। लक्ष्मण जी गए मैया के पास, मैया सुमित्रा जी के पास गए। मां भैया वन को जा रहे हैं, मां मां ने कहा यह संभव हो ही नहीं सकता। अच्छा हम आपसे पूछते हैं,
पूर्व दिशा किधर है? पूर्व दिशा कौन सी होती है? जहां से सूर्य उदय होता है, पक्का? या फिर जहां से सूर्य उदय होता है वो पूर्व दिशा होती है? क्या सत्य है आप बताइए? क्या पूर्व दिशा से सूर्य है या फिर सूर्य से पूर्व दिशा है? सूर्य से पूर्व दिशा है, वही मां कह रही है। मां कहती है कि राम अयोध्या का त्याग कर ही नहीं सकते, क्योंकि जहां राम है अयोध्या तो वही है। अयोध्या से राम नहीं है लक्ष्मण, राम से अयोध्या है। राम जहां रहते हैं उस स्थान को, उस जगह को अयोध्या कहते हैं। अगर कल से राम अगर वन में रहेंगे तो वो वन भी अयोध्या कहलाएगा। लखन अवध तहां जहां राम निवासु, अवध तहां जहां राम निवासु, तहां ही देवसु जहां भानु प्रकाशु, जहां भानु प्रकाशु, जो पैसीय राम बन जाही, जो पैसीय राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। जहां श्री राम जी का निवास होगा वहीं पर अयोध्या होगी लक्ष्मण। जहां सूर्य का प्रकाश होता है वहां दिन होता है। यदि निश्चय ही सीता राम जी अगर वन को जाना चाहते हैं तो लक्ष्मण अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है। मां सुमित्रा कहती है आज के बाद मैं तुम्हारी माता नहीं हूं। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। मां कहती है लक्ष्मण वे माता बड़भागी होती हैं जिनके पुत्र राम से प्रेम करते हैं, राम जी के चरणों में प्रीति रखते हैं। लक्ष्मण तुमने आज मेरी कोख धन्य कर दी। लक्ष्मण मां ने लक्ष्मण जी को अनुमति प्रदान की और साथ में उपदेश भी दिया। मां कहती है उपदेशो यहु जहि तात तुमरे राम सिया सुख पावही, पितु मातु प्रिय परिवार पुरसु सुरति बन बिसरावही, तुलसी प्रभु ही सिख दे आयसु दीन पुनि आशीष दई, रति हो अविरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नई। माँ ने लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दिया, उपदेश दिया, इस प्रकार लक्ष्मण जी को वन जाने की अनुमति मिली। प्रातः काल मैया और भैया के साथ राम जी वन के प्रस्थान के लिए तैयार हुए। सुबह हुई सजी बन साजो समाजो सब बनिता बंधु समेत, बंदे विप्र गुरु चरण प्रभु चल कर सब ही अचेत। वन का वन जाने का सारा साज बाज सब समा लेकर के श्री रामचंद्र जी माँ सीता जी और भाई के साथ सबसे पहले ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, सभी माता और पिताजी को प्रणाम करते हैं, ब्राह्मण को गुरु जी को प्रणाम करते हैं, शिव जी का स्मरण करते हैं और सबको मानो आज अचेत करके चल दिए हों, आज मेरे राम जी ने अयोध्या छोड़ दिया, मैया भैया के साथ आज चल दिए हैं। परछाई भी होती पराई, परछाई भी होती
पराई सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। ये जगत बड़ा दुखदाई, ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। उसने ही दुख पाया सुख की आशा रखी जिसने, उसने ही दुख पाया सुख की आशा रखी है जिसने। इस दुनिया से मोह बढ़ाकर बोलो प्यारे किसने, इस दुनिया से मोह बढ़ाकर बोलो प्यारे किसने। कब चैन की बंसी बजाई, बंसी बजाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। जिसको तूने अपना समझा निकला वही पराया, जिसको तूने अपना समझा निकला वही पराया। तेरे हुए न कोई लेकिन तुझको होश न आया, तेरे हुए न कोई लेकिन तुझको होश न आया। कई बार है ठोकर खाई, कई बार ठोकर खाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। दुनिया दिखती नहीं है लेकिन खेल पुराने चलते, दुनिया दिखती नहीं है लेकिन खेल पुराने चलते। दोहराता इतिहास स्वयं को केवल पात्र बदलते, दोहराता इतिहास स्वयं को केवल पात्र बदलते। बस रीत यही चली आई, ओ बस रीत यही चली आई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। होता कभी महाभारत कभी बनती है रामायण, होता कभी महाभारत कभी बनती है रामायण, होता कभी महाभारत कभी बनती है रामायण, होता कभी महाभारत कभी बनती है रामायण। कभी कंस कभी रावण के हित आते हैं नारायण, कभी कंस कभी रावण के हित आते हैं नारायण। कभी कृष्ण कभी रघुराई, कभी कृष्ण कभी रघुराई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। जग से सुख की आशा तज कर राम भरोसे रह ले, जग से सुख की आशा तज कर राम भरोसे रह ले। मन को मन मोहन का बनाकर राजस मुख से कह ले, मन को मन मोहन का बनाकर राजस मुख से कह ले। श्री राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस करो मेरे भाई, सुख की आस तजो
के आस करो मेरे भाई। तो इस संसार ने राम जी को भी सुख नहीं दिया तो हम आप सुख की कल्पना क्यों करते हैं? राम जी को भी सुख नहीं दिया। राम जी के जाने के बाद जैसे राम जी प्रणाम करके आगे बढ़े हैं, महाराज दशरथ जी की मूर्छा खुली, उन्होंने सुमंत जी को बुलाया और कहा कि सुमंत रथ लेकर जाओ, मेरा राम वन में आज पैदल कैसे चलेगा, मेरी जानकी वन में पैदल कैसे चलेंगी ना? सुमंत तुम रथ लेकर के जाओ और हाँ रथ में बैठा कर ले जाना, चार दिन वन घुमाना और वापस ले आना, लेकिन अगर राम ना आए तो कम से कम सीता को तुम जरूर लेकर के आना सुमंत, और अगर तुम सीता को भी नहीं ला पाए तो ये दशरथ का प्राण चला जाएगा सुमंत। सुमंत जी रथ लेकर आए, चूंकि पिताजी की आज्ञा थी इसलिए राम जी मैया और भैया के साथ रथ पर आरूढ़ हुए, सवार हुए और चलने लगे। और जैसे ही राम जी का रथ चला, आज अयोध्या की सारी प्रजा रथ के पीछे पीछे दौड़ पड़ी, सभी अयोध्यावासी रथ के पीछे भाग रहे हैं, सब अपना घर बार छोड़ करके सब राम जी के पीछे भाग रहे हैं। और सब कहते हैं आपस में कि जब अयोध्या में राम ही नहीं है तो इस अयोध्या में रहकर हम क्या करेंगे, अयोध्या तो वहीं होगी जहां पर राम होंगे, चलो सब राम जी के साथ चलो। सब राम जी के पीछे पीछे दौड़ते चले जा रहे हैं। पहले दिन तमसा नदी के तट पर श्री राम जी ने सभी के साथ विश्राम किया। राम जी सोचने लगे अगर ये सभी अयोध्यावासी अगर मेरे साथ चले तो मैं मेरी लीलाओं को पूर्ण नहीं कर पाऊंगा, पिताजी का वचन ठीक से पूर्ण नहीं कर पाऊंगा, इसलिए प्रजा का मेरे साथ जाना ठीक नहीं, उचित नहीं है। रात्रि में भगवान ने माया को प्रेरित किया और सभी अयोध्यावासी बड़ी गहरी नींद में सो गए। और जब सभी अयोध्यावासी सो रहे थे तभी राम जी ने सुमंत जी से कहा, सुमंत जी तात रथ के पहियों के चिन्हों को मिटाते हुए चलिए, आप आगे चलिए और खोज मारी रथ यहाँ कऊ ताता, आन उपाय बन ही नहीं बाता, और दूसरा कोई उपाय नहीं है, आप आगे बढ़िए और रथ के चिन्हों को मिटाते हुए चलिए तात। श्रृंगवीरपुर से राम जी रात्रि में ही चल दिए और चलते चलते अगले दिन के तीसरे प्रहर में भगवान श्रृंगवीरपुर में गंगा जी के तट पर जा पहुंचे। राम जी ने गंगा मैया को प्रणाम किया और अपने साथ आए माँ जानकी जी, लक्ष्मण जी और सुमंत्र जी को माँ गंगा की महिमा सुनाई। श्रृंगवीरपुर के राजा निषाद राजगुरु को समाचार मिला कि राम जी आए हैं, तो वो उपहारों को लेकर के राम जी से मिलने पहुंचे। निषाद राजगुरु राम जी के पास पहुंचे हैं, सामने उपस्थित हुए, प्रभु के चरणों में दंडवत किया। निषाद राज राम जी से कहते हैं कि आप अयोध्या के बाहर, आपको 14 वर्ष रहना है तो प्रभु आप 14 वर्ष श्रृंगवीरपुर में ही रुक जाओ प्रभु। राम जी ने कहा नहीं मित्र, मैं विशेष उदासीन व्रत धारण करके आया हूं, मैं किसी भी प्रकार के नगर में या गांव में प्रवेश नहीं कर सकता, विशेष उदासीन व्रत है मेरा, व्रत के अनुसार मैं किसी नगर या गांव में नहीं जा सकता मित्र। निषाद राजगुरु ने कंदमूल फल की व्यवस्था की है राम जी के लिए। उस दिन भगवान ने कंदमूल खाकर एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछाई और रात्रि में मैया के साथ वहीं पर विश्राम करने लगे, और थोड़ी दूर पर ही लक्ष्मण जी वीरासन लगा करके बैठ गए पहरा देने के लिए। निषाद राज जी अपने सेवकों को बोलते हैं कि रात्रि भर पहरा देना है। बोले मुझे पता चला है कि कल रात्रि में तमसा नदी के किनारे पूरी प्रजा को सोता हुआ छोड़ करके चले आए थे, कहीं ऐसा ना हो कि हम तुम सोते ही रह जाएं और राम जी रात्रि में ही चले जाएं, इसीलिए पूरी रात पहरा देना है हमको। और निषाद राज गुरु के आदेश पर सभी सेवक पहरा देने लगे। और उसके बाद निषाद राज जी वहां आए जहां भगवान विश्राम कर रहे थे।
भगवान को कुशा की चटाई पर सोता हुआ देखकर रोने लगे। कैकई नंदिनी मंदिमती कठिन कुटिल पन कीन जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। कैकई ने बहुत बड़ी भारी कुटिलता की है जिसने आज रघुनंदन जी को माँ जानकी जी को सुख के समय में दुख दे दिया। कितनी कुटिलता की है। आज मानो वह सूर्य जो सूर्य कुल रूपी वृक्ष है उसके लिए कुल्हाड़ी के समान हो गई है। आज कैकई ने तो आज संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम जी सीता जी को जमीन पर सोता हुआ देख करके निषाद राज जी बहुत रोए हैं, बड़ा दुख हुआ उनको। लक्ष्मण जी ने निषाद राज जी को अपने पास बिठाया और समझाया। इससे पहले हम आगे आपको बात कहें, लक्ष्मण जी जो आगे बोलने जा रहे हैं वो हम आप लोगों के लिए भगवान के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा। हम आपके संदर्भ में लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। उन्होंने देखा कि निषाद राज गुह मोह में फंस गए हैं, भगवान को नहीं जान पा रहे हैं कि ये भगवान है, इस वजह से उनको समझा रहे हैं। बोले लखन मधुर मृदुवाणी, बोले लखन मधुर मृदुवाणी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी, काहु न को सुख दुख कर दाता, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत करम भोग सब भ्राता, निज कृत करम भोग सब भ्राता, जोग वियोग भोग भल मंदा, योग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित माध्यम भ्रम फंदा, हित अनहित माध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरणु जह लगे जग जालू, जन्म मरणु जह लगे जग जालू, संपत विपत्ति करम अरु कालू, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू, धरणि धाम धनु पुर परिवारू, धरणि धाम धनु पुर परिवारू, सरगु नरकु जह लगे व्यवहारू, सरगु नरकु जह लगे व्यवहारू, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथु नाही, मोह मूल परमारथु नाही। लक्ष्मण जी निषाद राजगुरु से कहते हैं कि भाई कोई भी किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने हुए कर्मों के अनुसार सुख का दुख का भोग करते हैं। संयोग वियोग भरे बुले लोग शत्रु मित्र उदासीन ये सब भ्रम के फंदे हैं मित्र। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म काल जहां तक इस जगत के जंजाल हैं, धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहां तक सब व्यवहार हैं, जो देखने में सुनने में और मन के अंदर विचारने में आते हैं मित्र, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है, परमार्थता ये है नहीं। जब ये एक कथा में जब ये बात चल रही थी तो एक संत से किसी ने कहा कि महाराज हम आपकी इस बात से थोड़े से असहमत हैं। संत जी ने कथा के बाद कहा, बोले क्या हुआ, क्यों असहमत है? बोले नहीं, इस कलयुग में तो भगवान ऐसा है कि कर्म कोई करता है फल किसी और को मिलता है, गलती कोई और करता है फल किसी और को मिलता है,
तो वो व्यक्ति महाराज जी को समझाने लगा कि हम आपको उदाहरण से समझाते हैं। महाराज जी ने कहा बताओ क्या है। व्यक्ति कहता है, बोले महाराज जी देखिए आंख है ना, आंख, आंख ने बगीचे में एक फल को देखा, आंख ने बगीचे में लगे एक फल को देखा, फल को देखा तो पांव चल करके गए, पांव चल करके गए, पांव चल करके गए तो हाथों ने उस फल को तोड़ा, हाथों ने उस फल को तोड़ा और जीभ ने उस फल को चखा, मुंह ने खाया और पेट में रखा, लेकिन डंडे तो पीठ में पड़े। महाराज जी ने कहा नहीं बेटा ये बात अधूरी है, पूरी बात सुनो। बोले आंख ने बगीचे में फल देखा, उसके बाद पांव चल करके गए, हाथों ने फल को तोड़ा, जीभ ने चखा, मुंह ने खाया, पेट ने रखा और डंडे पीठ में पड़े, लेकिन आंख रोई कौन, आंख रोई तो जिस आंख ने देखा था, अंत था उसी को ही तो रोना पड़ा। बेटा ये है पूरी बात, पूरी बात तो ये। तो कई बार अपनी अक्ल से भी इंसान जो है तर्क वितर्क करने लगता है। एक एक व्यक्ति जो है एक संत के पास गया और बोलता है, बोले महाराज जी आपके भगवान में हमें लगता है कुछ अक्ल कम है, भगवान में, आपके भगवान में कुछ अक्ल कम है। तो महात्मा बोले, बोले जय हो जो आप जैसे महापुरुषों के दर्शन हुए हमको आज। बोले आप बोल रहे कम है, हमको लगता है कि हमारे भगवान में तो अक्ल है ही नहीं है। वो आदमी बोले, बोले महाराज जी आप कैसी बातें कर रहे हो। बोले हमारे भगवान में अगर थोड़ी बहुत भी अक्ल होती तो तुम जैसे अक्लमंद महानुभाव को बनाता ही क्यों, तुम जैसे अक्लमंद को पैदा ही काय को करता, थोड़ी बहुत भी अक्ल होती तो। भगवान की भी गलतियां देखना शुरू कर देते हैं लोग। दो शोधार्थी थे, रिसर्चर जो रिसर्च करने वाले थे, तो एक ने दूसरे से कहा अब एक ऐसे विषय पर हम शोध करेंगे जो बड़ा अद्वितीय होगा, आज तक जिसने किसी विषय पर शोध नहीं किया होगा। दूसरा बोलता है बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बताएं क्या है विषय। बोले विषय ये होगा कि हम ये शोध करेंगे कि इस सृष्टि को बनाने में भगवान ने कौन कौन सी गलतियां की, हम उन गलतियों के ऊपर शोध करेंगे। दूसरा मित्र बोलता, बोले वाह क्या मौलिक विषय का चयन किया है आपने, वाह मित्र वाह क्या विषय का चयन किया है। और दोनों ने शोध प्रारंभ किया। एक गांव में गए, वहां देखा कि एक मकान के ऊपर पतली सी बेल चढ़ रही है, कद्दू की बेल थी और उसके ऊपर इतना बड़ा कद्दू का फल लगा हुआ है। तो उस व्यक्ति ने कहा, शोधार्थी ने, बोले देखो नोट करो, कॉपी किताब कहाँ है, लिखो भगवान की पहली गलती। अब बताओ कितनी बड़ी गलती है, इतनी पतली सी बेल उसमें इतना बड़ा कद्दू का फल लगाया है, हैं बताओ भगवान की कितनी बड़ी गलती है, हैं नोट करो भगवान की गलती नंबर एक। दूसरे शोधार्थी ने नोट किया, बोले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या शोध कर रहे हैं आप। थोड़ा सा आगे बढ़े, गांव से गुजर रहे थे, एक आम के बगीचे के नीचे जाकर के विश्राम करने लगे। इतने में आम का छोटा सा कच्चा फल, आम की जो कैरी कच्ची होती है बहुत कड़क होती है, ये उसकी रही होगी आकार की, ऊपर से टूटी और उसके कनपटी पे लगी आके आंख के पास लगी, और जैसी आंख के पास लगी आंख तो फूल करके टमाटर हो गई। दूसरा मित्र कहता है, मित्र क्या लिखना है। बोले पहले पहली वाली गलती काटो, पहले पहली वाली काटो। बोले कोई गलती नहीं की भगवान ने, अगर भगवान इस आम के ऊपर वो कद्दू लगा देते तो हमारा तो आज जय जय सियाराम हो जाता है, आज जय जय सियाराम ही हो जाता है। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं इस संसार में ना कोई हमारा अपमान करता है ना कोई हमको सम्मान दे सकता है। मित्र सम्मान पाने की इच्छा ही अपमान कराती है। एक व्यक्ति संत के पास पहुंचा, बोले महाराज हम बड़े परेशान हैं, हम बड़े परेशान हैं। तो महाराज कहते हैं तुम शान से परे हो जाओ तो परेशानी खत्म हो जाएगी, तुमने जो शान ओढ़ रखी है वो शान से परे हो जाओ, मतलब वो शान को छोड़ दो तो तुम सुखी हो जाओगे। हमको ऐसा सम्मान पाने की इच्छा ही अपमान कराती है। ना किसी से सम्मान पाने की इच्छा करो ना मान पाने की इच्छा करो।
हमारा कर्म ही हमें सम्मानित करवाता है निसंदेह, और हमारा कर्म ही हमको अपमानित करवाता है। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए और कंगाल हो जाए, और स्वर्ग का राजा इंद्र हो जाए कंगाल कोई, तो जागने पर ना तो किसी प्रकार का लाभ है ना हानि है मित्र। वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय में हृदय से देखना चाहिए मित्र। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और किसी को भी व्यर्थ दोष नहीं देना चाहिए। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से निषादराज जी को समझाया। हो कोई ओ कोई लाख करे चतुराई रे, कोई लाख करे चतुराई रे, करम का लेख मिटे नार भाई, करम का लेख मिटे नार। ओ कोई लाख करे चतुराई रे, कोई लाख करे चतुराई रे, कोई लाख करे चतुराई रे, ओ कोई लाख करे चतुराई रे, करम का लेख मिटे नार भाई, करम का लेख मिटे नार भाई। ओ जरा समझो इसकी सच्चाई रे, जरा समझो इसकी सच्चाई रे, करम का लेख मिटे नार भाई, करम का लेख मिटे नार भाई, करम का लेख मिटे नार भाई। इस दुनिया में भाग्य के आगे चले ना किसी का उपाय, इस दुनिया में भाग्य के आगे चले ना किसी का उपाय, कागद हो तो सब कोई बाँचे, कागद हो तो सब कोई बाँचे, कर्म ना बाँचा जाए, कर्म ना बाँचा जाए। एक दिन इसी किस्मत के कारण, एक दिन इसी किस्मत के कारण, वन को गए थे रघुराई रे, हो वन को गए रघुराई रे, कर्म नारे भाई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। ओ कोई समझो इसकी सच्चाई रे, हो कोई समझो इसकी सच्चाई रे, हो कोई समझो इसकी सच्चाई रे, कोई समझो इसकी सच्चाई रे, कर्म का लेख मिटे नारे भाई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। काहे मनवा धीरज खोता, काहे तू नाहक रोए, काहे मनवा धीरज खोता, काहे तू नाहक रोए, अपना सोचा कभी नहीं होता, अपना सोचा कभी नहीं होता, भाग्य करे सो हो, भाग्य करे सो हो, चाहे हो राजा चाहे भिखारी, 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 होकर सभी ने यहाँ खाई रे, होकर हो
करम का लेख मिटे ना रे भाई, करम का लेख मिटे ना रे भाई, करम का लेख मिटे ना रे भाई। ओ कोई समझो इसकी सच्चाई रे, कोई समझो इसकी सच्चाई रे, हो कोई समझो इसकी सच्चाई रे, कोई समझो इसकी सच्चाई रे। करम का खेल मिटे ना रे भाई, करम का लेख मिटे ना रे भाई, करम का लेख मिटे ना रे भाई, करम का लेख मिटे ना रे भाई, करम तो बहुत प्रकार से लक्ष्मण जी ने निषाद राज गुरु को समझाया। लक्ष्मण जी कहते हैं, निषाद राज, आपके रोने का कारण केवल और केवल आपका मोह ही है, इस मोह का त्याग कीजिए। मोह निसा सबु सोव निहार, देखिए सपन अनेक प्रकार। इस मोह रूपी रात्रि में सभी सो रहे हैं निषाद राज जी, और अनेक प्रकार के सपने देख रहे हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो जगे हैं। कौन? एही जग जामिनी जाग हैं जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जो लोग सारे समस्त प्रकार के प्रपंचों से दूर केवल परमार्थ में लगे हुए हैं निषादराज जी, वही लोग जागे हुए हैं। जो भगवान के आश्रय है वही जागा हुआ है वास्तव में। आगे लक्ष्मण जी निषादराज जी का भगवान से परिचय कराते हैं। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नित नेति निरूप ही वेदा, कहीं नित नेति निरूप ही वेदा। निषादराज जी, श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु पर ब्रह्म है, वे अविगत अविगत हैं, अर्थात जानने में नहीं आते हैं। निषादराज जी वे अलख हैं, अर्थात स्थूल दृष्टि से देखने में नहीं आते, अनादि हैं, आदि रहित हैं, अनुपम हैं, उपमा रहित हैं, सब विकारों से रहित हैं और भेद शून्य हैं। निषादराज जी वेद जिनका नित्य नीति नीति कह करके बखान करते निरूपण करते हैं, राम जी वही हैं, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य रूप धारण करके लीलाएं कर रहे हैं, और इन लीलाओं को जो सुनता है उसके समस्त जंजाल कट जाते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, सखा सबसे बड़ा परमार्थ एक ही है, सखा परम परमार्थ एहु, मन कर्म वचन राम पद नेहु। मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम हो जाना, यही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। निषादराज जी भगवान के चरणों में दंडवत करते हैं। सुबह हुई, प्रातः काल से निवृत्त होकर राम जी ने निषादराज जी से बड़ के वृक्ष का दूध मंगवाया, और उस दूध को मंगा करके अपनी जटाओं में लगा करके उसका मुकुट बनाने लगे, और ये देख करके निषादराज जी वहीं पर रोने लगे, रुदन करने लगे, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। सुमंती जी ने कहा, प्रभु आपके पिता ने कहा था कि बस 4 दिन वन दिखा करके वापस ले जाना ले आना। राम जी ने कहा, नहीं सुमंती जी, तात राम जी ने उनको सत्य की दुहाई दी, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। राम जी ने कहा, 14 वर्षों के बाद आऊंगा
पिताजी का वचन पूरा करके अवश्य आऊंगा मैं। सुमंत जी कहते हैं कि महाराज ने कहा था कि अगर राम नहीं आए तो तुम सीता को जरूर लेकर के आना, नहीं तो उनका प्राण निकल जाएगा। सीता जी को वापस चलने के लिए कहा, सीता जी ने भी मना कर दिया, उन्होंने भी मना कर दिया, वो भी नहीं गई साथ में। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आप तब आए। जबरन बरबस सुमंत्र जी को वापस भेजा। अच्छा देखो, सुमंत्र जी वापस गए नहीं, बस वहीं पास में जाकर के रथ पर बैठे रहे, वापस अयोध्या नहीं गए, वहीं बैठे हुए। और भगवान गंगा जी को पार करने के लिए माँ गंगा के तट पर आ गए हैं।